हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगो बनाकर पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको फ्री लोगो बनाने के लिए मिलता है। टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, जहाँ पर ये फोटोशॉप कोरल ड्रॉ से हम ब्यूटीफुल लोगोस बनाते थे। वहीं दूसरी ओर एआई का उपयोग करके भी या फ्री टेम्पलेट्स का उपयोग करके हम अपने लोगो क्रिएट कर सकते हैं विथाउट कॉपीराइट। यस, और उन्हें हम सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए आपके पास मोर ऑप्शन हैं, जैसे कि आप फ्रीलांसर वेबसाइट पर ऐसे सेल कर सकते हैं, आप फीवर वेबसाइट पर अपनी गिग बना सकते हैं, वहाँ पर ऐसे सेल करें। और एक है डिज़ाइन हिल, वहाँ पर भी आप इसे सेल कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप अपना लोगो कैसे क्रिएट करेंगे, एंड सेकंड इज उसे सेल कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप ब्राउज़र ओपन करें और इस पर आप वेबसाइट को ओपन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे आप ओपन कर लें। बहुत ही ईजी है इसे ओपन करना। दैट्स एज लोगो मेकर इज़ अ वेबसाइट that provide you free template to make logos. मेरी इंग्लिश बेटर नहीं है, बट ट्राई करने में क्या जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। सो यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं या रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका कोई भी अकाउंट नहीं है, रिमेंबर एंटर ईमेल एड्रेस। सो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, दैट्स माई ईमेल एड्रेस एंड माई पासवर्ड इज। वैसे तो मेरा जो अकाउंट था वो था ही नहीं, तो वैसे तो लॉगिन मुझे साइनअप करना था। तो यहाँ पर एक बटन है, मैं साइनअप अभी करने वाला हूँ। तो मुझे साइनअप करना चाहिए, क्योंकि साइनअप मीन्स मेरा अकाउंट इस पर क्रिएट कर दो। और लॉगिन मीन होता है यदि आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आप उसे खोल ले। तो आप धीरे धीरे हर चीज़ को समझें। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको फ्रंट बताता हूँ, मैं उसे बिल्कुल एडिट नहीं कहता ताकि आपको कुछ परेशानी नहीं हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फुल नेम डाल दें, जो कि मैंने डाल दिया है। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, जो कि मैंने डाल दिया है। आप अपना जो नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं इस वेबसाइट के लिए, सो उसे भी आप इंक्लूड कर दें। और मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, Why created account? You agree? Yes, I am agree. I am not robot. इस पर भी क्लिक कर दें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। सो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं ब्राउजर में सेव कर दूँ। यस, आप कर दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो जो आपका अकाउंट है वो इस वेबसाइट पर क्रिएट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि लोगो कैसे बनाएं। सो यहाँ पर एक बटन मिलता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट लोगो। यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट लोगो, सो आप यहाँ पर क्लिक करें, डबल टैप करें। सो यहाँ पर आपको मिलती हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स जिसके लिए आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आप लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सोच लें कि आपको किस फील्ड के बारे में लोगो बनाना है। जैसे कि यदि यहाँ पर बार्बर शॉप है, आर्किटेक्चर्स है, प्रेस है, यहाँ पर एजुकेशन भी परफेक्ट होगा, हेल्थ है, क्रिसमस है, कार्ड है, स्पोर्ट है, बेसिक जो होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हैंडराइटिंग से रिलेटेड लोगोस। तो सबसे पहले मैं किसी एक फील्ड के बारे में से ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस पर ओपन किया और मैं थोड़ा फोटोग्राफी पर ओपन किया था मैंने, और मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ यहाँ पर
स्पोर्ट पर, मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे एक लोगो बनाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट दी गई हैं, मुझे सिर्फ क्या करना है, टेम्पलेट को चूज करना है, कुछ एडिट करना है और मैं इसे सेल कर सकता हूँ और मेरा लोगो बन के तैयार है। और यदि आप सेल नहीं करना चाहते अपने वेबसाइट, यूट्यूब या एनी अदर थिंग्स के लिए लोगो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं और विथ हाई रेजुलेशन लोगो। सो मैं यहाँ पर एक फुटबॉल के लिए लोगो बनाना चाहता हूँ। सो दिस इज द राइट लोगो, यस दिस इज द राइट। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, यूज दिस टेम्पलेट, यस आई यूज करना है ना मुझे इस टेम्पलेट को, तो मैं यूज मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। अब मैं इस को इस आइकन को ऐड कर सकता हूँ, इस लोगो को ऐड कर सकता हूँ, मतलब एडिट कर सकता हूँ, स्पिन एंड स्मैश। सो मैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यज्ञदीप, दिस इज बेटर टेबल टेंसेस। यहाँ पर आप एक टैगलाइन जोड़ दें, पावरफुल पीपल, पावरफुल पीपल्स, चलो जो भी है अच्छा है। और मैंने एक लोगो बना लिया है, यस मैंने इसे बना लिया है। यदि मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, कलर वगैरह एडिट करना चाहता हूँ, इसकी थीम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यदि मैं जो यह कलर फॉन्ट दिया गया है इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, सो क्या मैंने कलर ऑप्शंस, जैसे कि आप इस प्रकार से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो कि आपके थीम के हिसाब से बेटर लगे और आपको अच्छा लगे। यार मैंने ब्यूटीफुल कलर यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर है ग्रीन, यहाँ पर है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस बेटर, एक थीम भी होती है जिससे आपको लोगो बनाना होता है। तो यह आपका लोगो बन के तैयार है और आप और अधिक एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप इसे क्या करें, इसे डाउनलोड कर लें। सो डाउनलोड बटन पर क्लिक करें, और भी आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड एडिट करना चाहते हैं, सो आप मेन्यू ऑप्शंस, इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, यार मेन्यू ऑप्शंस आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड क्या देना चाहते हैं, जो करंट कलर है वो यह है, आप ब्लू कहना चाहते हैं तो बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैकग्राउंड ब्लू होने में। लेकिन ऐसे कलर मत दें जिससे कि हमारा टेक्स्ट नहीं दिखे, जैसे कि दिस इज द बेस्ट, बट हमारा जो रैकेट होता है गालने का वो गायब हो चुका है, सो किस काम का है। दिस इज बेटर लेयर्स टेक्स्ट, आप इसमें शेप्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन मिलता है, और टेम्पलेट आप देख ही चुके हैं। सो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने कौन सी फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, PNG, JPG, PDF फॉर्म। सो आपको PNG फॉर्म में से सेलेक्ट करना है। तो इसका बैकग्राउंड में सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड जो है मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, करंट कलर यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड करना चाहता हूँ, इसकी ओपेसिटी अगर मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो इसकी ओपेसिटी जो है वो 0 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ PNG फॉर्मेट में, तो मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए कि मुझे डाउनलोड कहाँ पर करना है। हाँ ऑप्शन आ चुका है, तो मैं इसे अपने डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ।
सो दिस एस डी पी एस जी फोटो। अब मैं इसे आपको दिखा दूँ, यह मेरे डेस्कटॉप पे आ चुकी है, यह रही फोटो। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। दिस एस दी लोगो जो कि आपने क्रिएट किया है विद इन 5 मिनट्स। सो अब आप इसे सेल करेंगे, कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे वाली वीडियो में आप डिजाइन बनाना अच्छे से सीख लें। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे सेल कैसे करें, आप एक अच्छा डिज़ाइनर बन जाते, फर्स्ट बिकम अ गुड डिज़ाइनर। सो देन आफ्टर वी सेल अवर लोगोस ऑन वेरी डिफरेंट प्लेसेस। तब तक के लिए बाय बाय।